कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन हो रहा है बार बार सीए को लेकर लगातार, क्यों? मैडम ऐसा है, कांग्रेस जो है वो दूसरों के कंधे पे लाठी रखकर बंदूक चलाती है। ये जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में या जेजे में जो हुआ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम तो बदल ही देना चाहिए, जाहिल उज्जड़ और निठल्ले ये नाम रख देना चाहिए। वहाँ पर पढ़े लिखे लोग होते थे, जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था कि यहाँ से जो भी स्टूडेंट निकले वो कल भविष्य का होने वाला एक बेहतरीन राजनेता हो। आज कहाँ जवाहरलाल नेहरू जी के संस्कार हैं, कहाँ हैं? कभी यूथ के बारे में सोचा है कि आज यूथ किस रास्ते पे चल रहे हैं, बेरोजगारी कितनी है? और NRC पे ममता बनर्जी जो कलकत्ता में करी हैं, आम आदमी को एक पेपर लेने में जितनी दिक्कत है, बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहे हैं उनके हाथों हाथ पेपर बन रहे हैं, वो गोवा में सेटल हो रहे हैं, वो वहाँ हो रहे हैं, जो हमारे देश में 80 वर्षों से 100 वर्षों से मुसलमान रह रहा है उसका हक कहाँ जाएगा? उनके लिए बेरोजगारी है और इनके लिए सब चीज़ें हैं। तो हमारे देश का जो मुसलमान है वो असंतुष्ट इसी वजह से है। माया, ममता और महबूबा, इन तीनों के नाम अलग अलग है लेकिन तीनों का काम एक है कि आग लगाओ, तमाशा देखो, जनता को लड़वाओ। मैंने 2 महीने पहले, ये गवाह है भैया जी, कहीं प्रोग्राम में कहा था कि हिंदू मुसलमान दंगा ये करवाएंगे और आज वही हो रहा है। NRC होनी चाहिए देश में, जो मुसलमान कंट्रीज के जो मुसलमान हैं उनको तो अपनी कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? बांग्लादेश से हर रोज कितना मुसलमान आ रहा है और कलकत्ता में आ रहा है, और ममता बनर्जी उनको हाथों हाथ पेपर दे रही हैं। वो गोवा में, अंडमान निकोबार में पुलिस को इतनी प्रॉब्लम है और वहाँ के मुखिया जो है उनको रात, कौन गलत बोल रहा है, तो जो है रातों रात मिल रहा है। हमारे यहाँ जो है ये जो छुट भैये नेता है, ये सस्ती राजनीति करके जो देश में आग लगा रहे हैं ना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, कम शब्दों में इतनी बात की है। हमारे देश का जो मुसलमान है, अगर इन लोगों के, ये जो बाहर से आए हुए मुसलमानों की वजह से इनका हक मारा जाएगा तो हम विरोध करेंगे। मैम एक और चीज़, अब जिस मुद्दे को लेके डॉक्टर मनमोहन, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने 2003 में ये मुद्दा उठाया था कि देश में बहुत बड़ी समस्या है, जो बाहर से घुसपैठिए आ चुके हैं, आज उनके लिए जब कानून बना दिया गया तो उसको लेकर आप कांग्रेस के साथ ही धरना प्रदर्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जाके बैठते हैं? 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस का एक ही वो रहा है, मतलब जो कमजोर दीवार, चोर कहाँ चोरी करता है, जो कमजोर दीवार होती है, आज तक चाहे वो अंग्रेज है चाहे कोई रहा, हमारे देश में इन लोगों ने एक कमजोर दीवार ढूंढ ली, हिंदू और मुसलमान। अरे हम शांति से हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं तो इन लोगों को अपनी कुर्सी की खातिर जरूरी है कि हमारे इसमें देश में लड़ाई करनी चाहिए, तो इन्होंने वही दीवारों में छेद किए, हिंदू मुसलमान को लड़वाया और अपनी रोटियां सेके। इनसे पूछो इन्होंने कितना पैसा खा लिया, अरे रोटी तो 2 ही खानी है, तुम क्या सारी जमीन भी ले लोगे, जाओगे तो अकेले ही ना खाली हाथ। और रही गांधी जी की बात सावरकर पर, अगर सावरकर जी ने लॉर्ड माउंटबेटन जैसा कोई अंग्रेज ढूंढ लिया होता ना, तो वो भी नैनी जेल में और अल्मोड़ा जेल में रहते हैं। और है ना, दूसरी एक बात बताएं, जो शहीद हैं या स्वतंत्रता सेनानी है, चाहे वो एक दिन जेल में गए, हमारे लिए ना, चाहे वो कहीं का भी है, सम्माननीय है, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की। कांग्रेस को जो है अपनी सत्ता और अपने विचार जो है वो बदल लेने चाहिए। गांधी जी के विचारों पर चलेंगे तो ये देश में राज कर लेंगे और शांति बनेगी, वरना दंगे ही रहेंगे। पूरे भारत में CAA को लेकर दंगा प्रदर्शन हो रहे हैं, बसें वगैरह जलाई जा रही हैं, क्या इतना ये सब करने से समाधान निकल आएगा CAA में? ऐसा है, समाधान जो है ना वो शांति से निकलता है। ये जो दंगे प्रदर्शन यूनिवर्सिटियों में हो रहे हैं ना, ये बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये दंगे नहीं हो रहे, ये दंगे करवाए जा रहे हैं, ये दंगे करवाए जा रहे हैं। और किसी भी उसका है, ये बयान जो है या जो भी चीज़ है वो सदन में पारित होगी, दोनों सदनों में उस चीज़ को किया जाएगा। ये नहीं है मनमोहन सिंह जी, उन्होंने अमित शाह जी ने बोल दिया NRC कराएंगे और उन्होंने कह दिया और प्रस्ताव पारित हो गया, वो जो है लोकसभा में भी जाएगा और उसमें भी राज्यसभा में भी जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा वो होने के लिए, बहुमत से जब पारित होगा। ये नहीं है एक बयान दिया और तुम दंगे करवाने पर उतर जाओ। प्रियंका गांधी जी क्या कहती है, हम संविधान की रक्षा करेंगे, वो संविधान की रक्षा नहीं करेंगी, वो सरकार बनाने के लिए दंगे करवाएंगी। जब से CAA को आया
गया, दिल्ली में लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ, हर जगह पे बसें वगैरह जलाई गई, पुलिस से पथराव हुआ, आग लगाई गई, तो उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ये कहते हैं कि ये हम नहीं करा रहे बल्कि भाजपा करा रही है क्योंकि हमें इससे फायदा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि देखो एक पुलिस वाला केन लेकर जा रहा है और ये भाजपा ने कराया। मुझे ये बताओ 84 के दंगे भाजपा ने कराए थे, 1947 के दंगे भाजपा ने कराए थे, 2012 में जो महाराष्ट्र में दंगे हुए 14 में वो भाजपा ने कराए थे। इन लोगों को है ना दंगों, ये दंगे के नाम पे राजनीति करते हैं, सस्ती राजनीति छोड़े और सस्ती पॉलिटिक्स। आप है ना पब्लिक इतनी समझ गई, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जिस कैंडिडेट ने काम नहीं किया वो किसी भी पार्टी का उसको वोट नहीं मिलेगा। पहले तो आम आदमी पार्टी के मतलब अध्यक्ष हमारे प्रधान वो मुख्यमंत्री केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली में जो दंगे हुए हैं वो हमने नहीं कराए और बाद में जो दंगाई है उन्हें 5 लाख रुपए और गवर्नमेंट जॉब देते हैं। ऐसा है वो सफाई दे रहे हैं, चोर सफाई दे रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल जी भी जो है ना सस्ती राजनीति है ना जो उस पर चल रही है। दंगे उन्होंने करवाए हैं, उनको इस टाइम इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन 2 महीने में 3 महीने में इलेक्शन होने हैं, उनको ये नहीं है कि आम आदमी कितनी परेशानियों में है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इनके राज्य में झुग्गियों में इतनी गंदगी है और ये है ना कहते हैं हमने खूब विकास किया है, जाकर देखो लोग गंदा पानी पी रहे हैं, पथरी के मरीज हो गए हैं। तो जहाँ जहाँ इनके कैंडिडेट ने काम किया वहाँ वो जीत जाएंगे, जहाँ नहीं काम किया वो हार जाएंगे। टीएमसी के सांसद ये बोलते हैं कि अगर अमित शाह ने सीए को वापस नहीं लिया तो हमारे कोलकाता नहीं आने देंगे, 1 लाख की भीड़ को लेकर जाएंगे और उसे बाहर नहीं आने देंगे। अमित शाह उनके पास जो वो बांग्लादेशी मुसलमान है ना टीएमसी के नेता उन्हीं पर कूद रहे हैं, उनको हाथों हाथ पेपर मिलते हैं। ममता बनर्जी जो है ये सस्ती राजनीति बहुत दिन नहीं चलती है, जो खूनी खेल खेलते हैं बिहाइंड द कर्टेन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पब्लिक समझ रही है। सीधी सीधी बात है, वो जिन भी मुसलमानों को ले आए, लेकिन है ना क्या है जब हमारे देश के मुसलमानों का हक उन बाहर से आए मुसलमानों की वजह से के, तो हम झंडे भी उठाएंगे और प्रदर्शन भी, लेकिन शांतिपूर्वक करेंगे, कत्लोगारत नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों भाइयों सभी बेहतर लोग, हम हिंदू कश्मीर के यहाँ को जो बासी हैं है ये हूँ, जो बहकावा पे चलते अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी, उतना बहकावा मत दीजिए जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी को बहकावा देने होता है कि प्रदर्शन में जाके आग लगा दो, किसी का घर उजाड़ दो, किसी माँ बहन के सिंगार छीन लो, वो अच्छा ही बात नहीं होता है। हमारे भारत के सिद्धांत में है कि मिलजुल के हैं मुस्लिम भाई सिख सिकाई। प्रदर्शन कर रही है सीए को लेकर, इतनी दिक्कतें सामने, लोगों को पगलाने की कोशिश कर रही है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए ये पगलाने के लिए बहुत कोशिश किए हैं, राहुल गांधी ने पाकिस्तान किया था, उस दिन मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पे जुलूस लेकर आया जंतर मंतर ने, उसके बाद दरियागंज पुलिस चौकी पे आग लगाया, सिलमपुर में पेट्रोलियम बम फोड़ा। हम किसी के विरोधी नहीं बोले, ठीक है, किसके लिए, जब योगी नाथ यूपी के अंदर उतना आदमी को गिरफ्तार करके बंद कर सकता है तो दिल्ली सरकार क्या कर रहे हैं? जब आपको सरकार में जब इतना बड़ा अपराधी हो रहा है आप क्या देख रहे हो? इसका मतलब आतंकवादी को आपका मनोबल बढ़ाना, आप पॉलिटिक्स मत खेलो, जनता को से वो हिंदू है क्या मुसलमान, मगर एक हो समान, जिस कदम पे मैं पैर उठाता हूँ वो पैर करो सभी को सलाम। मगर ये केजरीवाल जी आपका अच्छा बात नहीं है, आप किसी को हमारे किसी के आग जला दे, उसको नौकरी दे दे, उसको पैसा दे दे, आपको हम बताओ केजरीवाल जी हमारे आवाज़ सुनते हो? अगर आवाज़ सुनते हो तो आपका हथियार दिखाता हूँ। संत नगर बुरारी में, गाजियाबाद के एनआरसी में हथियार बैग कार कबेले कार में हथियार लेके संत नगर बुरारी में रामलाल इंस्पेक्टर हथियार पकड़ाया है। मेरी एक और चीज, मैं आपसे एक चीज, केजरीवाल का छोड़ दीजिए, मैं एक सॉरी, टीएमसी के सांसद ये बोलते हैं कि अमित शाह को कोलकाता नहीं आने देंगे अगर वो सीए वापस नहीं लेंगे।
ऐसा देखो मैडम जी, वो कुछ भी बोलेंगे सीए वापिस तो नहीं लेंगे, आप हद से ज़्यादा हो गए। अगर सीए लेना है भाई साहब, अगर सीए लेना है तो कोई नेता लेडी का वोट डांग के नहीं लेना है। जनता हूँ हम, किसी नेता का सहारा नहीं लेंगे हम। जनता है, जनता को ताकत लेके चलना है भाई साहब, ये काम करना है। वो जनता पॉलिटिक्स में चलोगे, धरना दोगे, प्रोटेक्शन करोगे, आग लगाओगे, वो गलत बात है। कांग्रेस जो दिन पर दिन एक के दिन बाद प्रदर्शन कर रही है सीए को लेकर, क्या कहना चाहोगे? ये कांग्रेस